Hello everyone, this is Pragya Pandey from Rouse Academy for Competitive Exams Bhopal and this is our special series on daily news review. In our previous video, I have asked few questions, so let's see their solution first. So the first question was, World Tsunami Awareness Day is observed on, and correct answer for this question is 5th of November. Next question which I have asked is, where is Mauna Loa volcano is located, and correct answer for this question is Hawaiian Island. So without wasting any time, let's see what is in the news. This particular news section is very important for us, which talks about Indian black honeybee is a Western Ghats discovery. देखते हैं आर्टिकल में आखिर क्या बात कही गई है. सो एक नई स्पीशीज़ जो कि एंडमिक हनीबीज की स्पीशी है, उसको डिस्कवर किया गया है वेस्टर्न घाट्स में. ठीक है, अगर हम वेस्टर्न घाट की भी बात करें तो इसे मेजरली आइडेंटिफाई किया है सेंट्रल एंड द सदर्न वेस्टर्न घाट, जो कि कवर करता है स्टेट्स ऑफ गोवा, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु. ये आपको ध्यान रखना है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, जिस न्यू स्पीशी को आइडेंटिफाई किया है इसका नाम क्या है, एंड इट नेम्ड एज एपिस कैरिनजोडियन. साथ ही इसको एक कॉमन नेम दिया गया है विच इज़ इंडियन ब्लैक हनी बी. अब ये डिस्कवरी इंडिया के लिए क्यों इतनी महत्वपूर्ण है, तो 200 साल बाद है ना, 200 साल बाद वो टाइम है 1798 के बाद जब कोई नई स्पीशी हनीबी की डिस्कवर की गई है. अगर हम 200 साल पहले की बात करें तो 1798 में एपिस इंडिका को आइडेंटिफाई किया गया था, और उसके बाद अभी जो मिला है दैट इज़ एपिस कैरिनजोडियन. हालांकि एपिस कैरिनजोडियन के बारे में हमें पिछले 3-4 सालों से पता है, बट अभी उसकी डिस्कवरी को फाइनलाइज कर दिया गया है और पब्लिश कर दिया गया है, तो ये आप याद रखेंगे. अब सवाल आ जाता है कि आपने ये क्या इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे. जी हाँ, एपिस कैरिनजोडियन विच वॉज रिसेंटली इन द न्यूज़, उसका संबंध किससे है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने मिल सकते हैं. चलिए अब बात कर लेते हैं कि बीस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं यहाँ पर. तो अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें तो 20,000 से भी ज़्यादा जो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं हनी बीज की, वो पूरे वर्ल्ड में पाई जाती हैं. साथ ही आपको पता होगा कि मधुमक्खी पालन को हम एपिकल्चर बोलते हैं. अब अगर हम बीज की बात करें तो बेसिकली दे लिव इन अ कॉलोनी. आपको मधुमक्खी के जो छत्ते दिखाई देते हैं, ये इनकी कॉलोनीज़ होती हैं, एंड मेजरली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बीज. सबसे पहले तो आ जाती है क्वीन बी, देन द वर्कर बी एंड द ड्रोन वन. अब देखिए, जो वर्कर एंड द क्वीन बीज होती हैं, ये दोनों मैंने आपको बताया 3 टाइप की बीज होती हैं. एक तो हो जाती है वर्कर, एक हो जाती है क्वीन, और एक हो जाती है ड्रोन. तो वर्कर और क्वीन बीज जो होती हैं, ये होती हैं फीमेल बीज. वहीं जो ड्रोन बीज होती हैं, ये होते हैं मेल बीज. ठीक है, बट यहाँ पर भी आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखना है कि जो सिर्फ क्वीन बीज होती हैं, ओनली दे कैन रिप्रोड्यूस. वही वर्कर बीज का काम क्या होता है, सो वर्कर बीज क्या करते हैं, दे क्लीन्स द हाइव, कलेक्ट पॉलन्स एंड नेक्टर टू फीड द कॉलोनी एंड टेक केयर ऑफ द ऑफस्प्रिंग, वेयर एज द ड्रोन ओनली मेट्स विद द क्वीन बी. ये आप याद रखेंगे. अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या हमारे लिए याद रखना ज़रूरी है. जी हाँ, क्योंकि 2020 में भी इस तरीके का एक सवाल हमें देखने मिला था, जहाँ एलिफेंट के ग्रुप को लेकर बात की गई थी कि उसे कौन लीड करता है एंड सो ऑन. चलिए नेक्स्ट चीज़ आपको क्या पता होना चाहिए कि इंडिया में मेजरली 4 टाइप के बीज हमें देखने के लिए मिलते हैं. ये 4 टाइप में से 2 तो होते हैं डोमेस्टिक और 2 होते हैं वाइल्ड. जो डोमेस्टिकेटेड बीज होते हैं उनका नाम है एपिस सेरेना, जिसको ओरिएंटल हनी बी भी बोला जाता है, और अनदर वन इज़ एपिस मेलिफेरा, जिसको यूरोपियन हनी बी भी बोला जाता है. वेयर एज जो 2 हमारे पास वाइल्ड हनी बीज मिलते हैं, दोज आर एपिस डॉर्साटा, जिसको जॉइंट या रॉक हनी बी भी बोलते हैं, साथ ही एपिस फ्लोरिया विच इज़ ऑल्सो नोन एज ड्वार्फ हनी बी. ये आप याद रखेंगे और इसके नोट्स भी प्रिपेयर करेंगे. चलिए आगे आ जाते हैं. तो जैसा आप सभी को पता है, 20th मई को सेलिब्रेट किया जाता है एज ए वर्ल्ड बी डे. देखिए, अब ये वर्ल्ड बी डे जो है ना, ये किसकी याद में या किसको कमेमोरेट करने के लिए बनाते हैं, तो आप याद रखेंगे द डे मार्क्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ एंटन जेंसन, हु इज़ अ पायोनियर टू मॉडर्न एपिकल्चर. अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ क्यों शेयर कर रही हूँ, क्यों आपको जानना ज़रूरी है कि किसको कमेमोरेट करने के लिए बनाया जाता है. तो देखिए, अगेन
2008 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, जहाँ पर पूछा गया था नॉर्मन बॉरलॉग जो कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के पायोनियर है, वो किस जगह से बिलोंग करते हैं, राइट? तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में हम प्रीवियस क्वेश्चंस के हिसाब से ये याद रखेंगे कि क्वेश्चंस क्या बनने के चांसेस हैं। सो अगेन आई एम रिपीटिंग द फैक्ट, 20th मे इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड बी डे। किसकी बर्थ एनिवर्सरी को मार्क किया जाता है? दैट इज एंटोन जेंसा। ठीक है, एंटोन जेंसा की अगर हम बात करें तो बेसिकली ये एक बी कीपर फैमिली से बिलोंग करते थे जो कि स्लोवेनिया की थी। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। साथ ही अगर हम इससे रिलेटेड रिवॉल्यूशंस की बात करें तो स्वीट रिवॉल्यूशन जो है, जिसे स्टार्ट किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर प्रमोटिंग एपिकल्चर, दैट इज ऑल्सो नोन एज द बी कीपिंग। ठीक है, टू प्रोवाइड अ बूस्टर शॉट टू स्वीट रिवॉल्यूशन, द गवर्नमेंट ऑल्सो लॉन्च द नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन इन 2020। और किस मिनिस्ट्री के अंदर ये आएगा? सो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। सो दिस पर्टिकुलर आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट ब्रिंग बैक ओल्ड पेंशन स्कीम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ राइट टू कैबिनेट सेक्रेटरी। देखिए, नेशनल पेंशन सिस्टम वो सिस्टम है जो अभी हालिया काम कर रहा है। अब इस आर्टिकल को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। अब लोगों का बोलना ये है जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वो बढ़िया है और उसे वापस लेके आइए। आखिर इसमें क्या हो रहा था कि जैसे सपोज जो भी व्यक्ति है उसको क्या मिलता है? लगातार लाइफ लॉन्ग इनकम होती है, ठीक है, एक रिटायरमेंट के बाद। दैट इज़ अ श्योर अमाउंट विच इज़ इक्विवेलेंट टू 50% ऑफ द लास्ट ड्रॉन सैलरी। अब क्या हो रहा था कि अगर कोई व्यक्ति, सपोज़ अगर एक व्यक्ति है जो कि 60 साल में रिटायर्ड होते हैं और उनका लाइफ स्पैन 80 ईयर्स है, गवर्नमेंट को क्या करना पड़ रहा था? गवर्नमेंट को इनको इस पूरे पीरियड के लिए पेंशन देनी पड़ रही थी, जो कहीं ना कहीं इकोनॉमिस्ट ने सजेस्ट किया कि इस तरीके की जो प्रोसेस है हमें ये ख़त्म करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे गवर्नमेंट के ऊपर एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। अब क्या होता है, सपोज़ ये 80 साल तक जिए, इनकी डेथ के बाद क्या होगा? जो इनकी स्पाउस होंगी वो एंटाइटल्ड हो जाती हैं फॉर अ पोर्शन ऑफ द पेंशन अंडर दी OPS। ठीक है, अब इसको 2004 में ख़त्म करके लेकर आया गया NPS, विच स्टैंड्स फॉर नेशनल पेंशन सिस्टम। चलिए, तो अगर हम NPS की बात करें, अब NPS क्या बोलता है, तो इसे लेकर आया गया 2004 में और इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन बॉडी है दैट इज़ PFRDA, जो आप याद रखेंगे, दैट इज़ पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट को भी इस्टेब्लिश किया गया था बाय द PFRDA टू रजिस्टर्ड ओनर ऑफ ऑल असेट्स अंडर NPS, ये भी याद रखेंगे। चलिए वापस आ जाते हैं NPS की तरफ। तो NPS के फीचर्स क्या बोलते हैं? तो सबसे पहले ये ऑल सिटीज़न मॉडल को लेके काम करता है, विच मीन्स इट अलाउज ऑल सिटीज़न ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग NRIs। ठीक है, ऐसे पॉइंट्स आपसे सीधे पूछे जाते हैं जो आप हम यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। सो इट इंक्लूड्स ऑल सिटीज़न ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग NRIs विच एज्ड बिटवीन 18 to 70 ईयर्स। ओके, अब यहाँ पर हो क्या रहा है, अब जब रिटायरमेंट होता है किसी व्यक्ति का तो वो अपने रिटायर इस अमाउंट का जो इन्होंने डिपॉजिट किया इसका 60% जो है उसको एक बार में विड्रॉ कर सकते हैं, विच इज़ टैक्स फ्री। ठीक है, एंड द रिमेनिंग 40% जो यहाँ पर रह जाएगा इज़ इन्वेस्टेड इन एन्युटीज़ विच इज़ टैक्स। अब यहाँ पर यही प्रॉब्लम है कि इवन जो प्राइवेट व्यक्ति भी हैं वो भी इस स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं, और इसीलिए लोगों को प्रॉब्लम हो रही है कि ठीक है आपने हमें एक लमसम अमाउंट एक बार में अभी दे दिया जो हमने निकाल लिया, बट वॉट अबाउट कि हमें बाद में पैसे की ज़रूरत पड़ रही है या बाद में हमें चाहिए, तो एक परमानेंट अमाउंट हमारे पास रहता था। अब देखिए, यहीं पर कुछ लोगों ने जो अपना स्टैटिस्टिक्स यहाँ पर बताने की कोशिश करी है, तो ये क्या बता रहे हैं, अंडर दी NPS अगर किसी व्यक्ति की जो सैलरी है वो 30,500 है, ठीक है, तो अब उसे सब कुछ कटने पिटने के बाद जो उसका पेंशन अमाउंट बन रहा है वो बन रहा है 2,417 रुपये, जबकि वही अमाउंट जो पुराना पेंशन मेथड था दैट इज़ OPS, इसमें ने कितना मिलता था 15,250 रुपीस। वही इस तरीके के कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ देखने के लिए मिल रहे हैं, और इसीलिए अब जो भी जहाँ पर भी जिन स्टेट्स में अभी चुनाव होने हैं वो सभी डिमांड कर रहे हैं कि भैया पुराना सिस्टम वापस लेकर आइए।
आगे बढ़ने के पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है सो डू लाइक आवर चैनल एंड सब्सक्राइब टू नेवर मिस एनी अपडेट्स। चलिए आगे देखते हैं। सो दिस पर्टिकुलर आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट ऑनलाइन गेमिंग फ्रॉड्स ईडी पर्सुइंग चाइना लिंक। देखिए आखिर हो क्या रहा है कि रिसेंटली जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है उसने आइडेंटिफाई किया है कि ऐसे बहुत सारे केसेस हो रहे हैं, ठीक है, जिसमें गेमिंग फ्रॉड देखने को मिल रहा है, इंक्लूडिंग दोज अगेंस्ट कंपनीज रन बाय सम चाइना बेस्ड एंटिटीज। अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि चाइना क्या करता है, FDI के थ्रू पहले तो इस तरीके की कंपनीज़ को इस्टेब्लिश करता है और वहाँ पर किन को बिठा देता है, अपने डमी इंडियन डायरेक्टर्स। इस तरीके के जो फ्रॉड हमें देखने के लिए मिले हैं ना, वो लगभग 4,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा के हैं। अब देखिए ये कंपनीज़ क्या करती हैं, एक FDI के थ्रू यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लाती हैं और इंडियन कंपनियाँ एक इंडियन डायरेक्टर को यहाँ पर बिठा देती हैं जो क्या करेगा, जो इनके बिहाफ पर पेमेंट कलेक्ट करेगा। अब आपको पता होगा बहुत सारी गेमिंग कंपनीज़ ऐसी होती हैं जो गेम्स के लिए आपको डिफरेंट तरीके से पेमेंट गेटवे के थ्रू अमाउंट जनरेट करने के लिए बोलती हैं, ठीक है। अब यही अमाउंट यहाँ पर क्या हो रहा है, इसे एज ए टैक्स ना दिया जाकर ये कंपनियाँ ऐसे हवाला ट्रांजेक्शन करके टैक्स की चोरी कर रही हैं, जो कि रिसेंटली ईडी को आइडेंटिफाई हुआ है, ठीक है। अब इस तरीके की जो घटनाएं हैं ना, ये लगातार हो रही हैं और इसी का रिजल्ट था कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने क्या किया था, अनाउंस किया था कि वो एक ऐसी कमेटी को सेटअप करेंगे जो ऑनलाइन गेमिंग, ठीक है, इनसे रिलेटेड कुछ रेगुलेशंस बनाने की कोशिश करेंगे, राइट। अब अगर हम इस गेमिंग सेक्टर की ग्रोथ की बात करें तो 2021 में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी जिसको पब्लिश किया था बाय दी बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप्स। उन्होंने बोला कि इंडिया में जो मोबाइल गेमिंग सेक्टर है वो $1.5 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट कर रहा किया है इन 2020 अलोन, ठीक है, और जिसके बढ़ने के चांसेस हैं टिल $5 बिलियन बाय 2025। तो कहीं ना कहीं ऐसे जो सिनेरियोज़ हो रहे हैं उन पर कंट्रोल करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब इसी के साथ जैसे जैसे ये गेमिंग कंपनीज हमारे यहाँ आ रही हैं, वैसे ही वैसे टैक्स चोरी जैसे या हवाला के केसेस भी इंक्रीज हो रहे हैं। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, दिस पर्टिकुलर आर्टिकल इज़ टॉकिंग अबाउट ANSI builds tribal hut replicas to build, preserve, promote unique heritage. सबसे पहले ANSI, तो it stands for Anthropological Survey of India. देखिए ANSI ने अपनी ही आप का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव यहाँ पर लिया है, जो ट्राइबल्स हैं स्पेशली जो जिनकी अगर हम बात करते हैं तो those comes under PVTGs, which is particularly vulnerable tribal groups, ठीक है। तो ये जो कम्युनिटीज़ हैं स्पेशली इन दी अंडमान एंड निकोबार, इनके कल्चर और इनके हेरिटेज को प्रमोट करने के लिए एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने क्या करा है, जो हट्स का निर्माण ये करते हैं आप जैसा यहाँ पर फोटो में देख पा रहे हूँ, इनके रेप्लिकास को बनाना शुरू कर दिया है। अब ये रेप्लिकास इतनी ऑथेंटिक है ना कि आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल है कि क्या ये ओरिजिनल है या इन्हें ANSI ने बनाया है। हालांकि इसके बनाने के फ़ायदे क्या हैं, तो जो लोकल लोग हैं, जो लोकल टूरिस्ट हैं या जो यहाँ के लोग हैं, उनको ये बताने के लिए कि ये कल्चर और हेरिटेज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। सो जो डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं, ठीक है, जैसे जारवा ट्राइब्स के हट की बात करें हम, जैसे चड्डा भी बोला जाता है, या फिर शॉपमैन हट की बात करें जिसको कैसे बनाया जाता है, जंगली सुपारी के पत्तों वगैरह से बनाया जाता है, और नीचे क्या इसके डेवलप किया जाता है, वाइल्ड पिग्स को कैप्चर करने के लिए नीचे इसके अंदर एक स्पेस रखा जाता है, ओके। अब ये जो हट्स ANSI ने बनाए हैं ये एग्जैक्टली तो उस मटेरियल से नहीं बने हैं जिनका यूज़ ये ट्राइबल ग्रुप्स करते हैं, बट उसी के तरीके के मिलते जुलते किन्हीं चीज़ों का यहाँ पर यूज़ करा गया है टू प्रमोट द हेरिटेज एंड कल्चर। अब यहाँ से आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से निकल के आने वाला पॉइंट क्या है, तो वो है ट्राइब्स, ठीक है। जब हम अंडमान और निकोबार आइलैंड की बात करते हैं तो 2004 में भी इस तरीके का एक क्वेश्चन हमें देखने मिला था जिसमें शॉम्पेन ट्राइब्स के बारे में पूछा गया था कि ये कहाँ पाई जाती हैं, ठीक है, सो इसका आंसर होगा निकोबार। वैसे ही 2004 में एक और क्वेश्चन था ओंगे, ठीक है, 2004 में सेम क्वेश्चन था ओंगे, ये भी एक PVTG ट्राइब होती है अंडमान निकोबार की, कि ये मैक्सिमम कहाँ पाई जाती है। वैसे ही इस बार न्यूज़ में क्या है, जारवा, ठीक है, तो आपको याद रखना है सेंटिलीज, ओंगे, जारवा, शॉम्पेन, ये कहाँ की ट्राइब है, ये
अंडमान और निकोबार की ट्राइब है। वहीं अगर हम जारवास की बात करें तो ये साउथ अंडमान और मिडिल अंडमान में बेसिकली हमें देखने के लिए मिलते हैं। और एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो 300 से 400 लोग ही इनकी पूरी इंटायर कम्युनिटी में बचे हैं। ये काफ़ी शाय होते हैं और लोगों से बिल्कुल बातचीत करना थोड़ा सा कम रखते हैं, बट हालांकि बहुत सारे इनिशिएटिव्स अभी लिए जा रहे हैं और इस ट्राइबल ग्रुप को थोड़ा मेन स्ट्रीम से जोड़ने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये ट्राइब का नाम आपको याद रखना ज़रूरी है। ये कहाँ पर पाई जाती हैं आपको ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि जैसा वी हैव ऑलरेडी डिस्कस 2004 में इस तरीके के क्वेश्चंस भी पूछे जा चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नॉर्थ कोरिया ने अगेन यहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च कर दी है साउथ कोरिया पे, और कब लॉन्च करी है, जब साउथ कोरिया और यूएसए मिलकर एक एयरफोर्स एक्सरसाइज को कंडक्ट कर रहे थे। ठीक है, सो इन्होंने एक नहीं यहाँ पर 4 बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो लॉन्च की हुई हैं। चलिए, अब रिसेंटली ये जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का इशू है ये लगातार न्यूज़ में बना रहता है। हालांकि नॉर्थ कोरिया ने अभी ही रिसेंटली क्या किया था, 12 वॉर प्लेन्स भी साउथ कोरिया के ऊपर से निकाले थे। उसका रिजल्ट था कि साउथ कोरिया ने भी सेम किया, और हर बार यही होता है, एक बार नॉर्थ कोरिया कुछ करता है उसके रिस्पॉन्स में साउथ कोरिया भी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स दे देता है। तो इस पूरे न्यूज़ को समझने के लिए हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि आखिर ये ओरिजिन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कहाँ से आया। देखिए, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके लिए, आप इसके नोट्स बना सकते हैं। GS पेपर 2, GS पेपर 1 दोनों के लिए ये पर्टिकुलर सेगमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए सबसे पहले इस मैप के थ्रू समझ लेते हैं। तो ये रहा हमारा नॉर्थ कोरिया, ठीक है, जो आपको यहाँ क्लियरली विजिबल है विद इट्स कैपिटल प्योंगोंग। वेयर इज दिस इज द साउथ कोरिया विद इट्स कैपिटल सियोल। अब इन दोनों को यहाँ पर क्या डिवाइड कर रहा है, सो दिस इज द 38th पैरेलल लाइन जो किसको डिवाइड करती है, नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया से, और यहीं पर डीमिलिट्राइज जोन भी है। यहीं पर एक डीमिलिट्राइज जोन बना हुआ है जिसे हम बफर जोन भी बोलते हैं। चलिए इस मुद्दे को थोड़ा सा समझ लेते हैं डिटेल में। देखिए, इस पूरे वॉर की जो क्रोनोलॉजी है वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, लेकिन 1904 और 1905 के पहले अगर हम यहाँ पर आ जाएं तो आपको जैसे पता होगा तो 1392 से लेकर 1897 का वो टाइम है, ये लगभग 5 सेंचुरी यहाँ पर कवर की जाती हैं, दैट इज़ जोशियन डेनेस्टी यहाँ पर रहा करती थी। अब क्या होगा, यहाँ पर 1895 का वो दौर है जब ट्रीटी ऑफ शिमोनोस्की साइन हुई बिटवीन चाइना एंड जापान 1894-95 में, और 1897 में यहाँ पर क्या होगा, जोशियोन के नाम को रीनेम कर दिया गया एज ए कोरियन एम्पायर। चलिए, अब ये तो रहा पहला मुद्दा कि यहाँ पर पिक्चर में कौन आ गया हमारे पास, चाइना, और दूसरा कौन आ गया, जापान। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमें यहाँ पर 4 प्रोमिनेंट नेम देखने मिलेंगे, अगेन USA एंड USSR। चलिए, अब 1904-05 का टाइम वो है जब रूसो जापानीज वॉर होगी विच एंडेड रशियाज इन्फ्लुएंस, एंड विद द 1905 प्रोटेक्टोरेट ट्रीटी कोरियन बिकेम द जापानीज प्रोटेक्टर। देखिए, अभी आपको यहाँ पर ये चीज़ याद रखना ज़रूरी है कि 1910 से लेके 1945 तक का वो टाइम है ना जब जापान बहुत ही पावरफुल हुआ करता था, ठीक है, एंड एवरीवन वाज क्वाइट स्केयर्ड विद इट, क्योंकि इट वाज कंटिन्यूसली एक्सपैंडिंग इवन दो इंडिया वाज इन दिस काइंड ऑफ डिलेमा कि क्या किया जाए। चलिए, अब हम यहाँ पर आ जाते हैं वापस से कि हुआ क्या। 1905 से लेके 1910 तक का वो पीरियड था जहाँ पर टर्बुलेंस देखने मिलेगा हमें कोरिया में, और 1910 में से कौन एनेक्स कर लेगा, जापान। 1910 से लेके 1945 तक जापान इस पर कंटिन्यूसली रूल करेगा, और जापान की डिफीट के साथ ही पूरा सिनेरियो चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, 1945 में याल्टा कॉन्फ्रेंस, ठीक है, आप याद रखेंगे 1945 में याल्टा कॉन्फ्रेंस के बारे में बात की जाएगी, विच एग्रीड टू एस्टैब्लिश अ 4 पावर ट्रस्टीशिप ओवर कोरिया। लेकिन एक किसी भी कॉन्क्रीट प्लान के पहले क्या हो जाएगा, USSR इन्वेड कर देगा कोरिया को, और विद इन अ वीक यहाँ पर जापान सरेंडर कर देगा, और यहाँ से एक कंडीशन निकल कर आ जाएगी, वो क्या, अब जो नदर्न पार्ट ऑफ कोरिया है जिसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये
किसके अंडर में आ जाएगा, ये आ जाएगा यूएसएसआर के अंडर में। वहीं जो सदर्न कोरिया है ये आ जाएगा अलाइड फोर्सेस के अंडर में, बेसिकली हम यहाँ पर बात कर लेंगे यूएसए की, ठीक है। और यहीं से सबसे पहले 38 पैरेलल लाइन को ड्रॉ किया जाएगा टू डिमार्केट दी बॉर्डर्स। ऑलराइट, आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा। 1948 का वो पीरियड आ जाएगा जहाँ पर यूनाइटेड नेशंस क्या प्रपोज कर देंगे, फ्री इलेक्शंस अक्रॉस ऑल ऑफ द कोरिया। बट यूएसएसआर अगेन इस प्लान को रिजेक्ट करेगा, बट स्टिल जो इलेक्शंस हैं वो यहाँ पर करवाए जाएंगे और उसका नतीजा है हमारे सामने कौन आ जाएगा, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। ऑलराइट, अब यहीं पर आपको हम देखने मिल रहा होगा कि नॉर्थ अमेरिका को कौन कहीं ना कहीं सपोर्ट दे रहा है यूएसएसआर, एंड साउथ अमेरिका को सपोर्ट कौन दे देगा, यूएसए। चलिए अब आ जाता है 25 जून 1950 का वो समय जब नॉर्थ कोरिया, जिसे कौन बैक कर रहा है, यूएसएसआर, एक अटैक लॉन्च कर देगा ओवर दी साउथ कोरिया। क्यों भाई, दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है ना टेरिटरी को लेके, ये बोल रहा है कि हमें ये दे दो, ये बोल रहा है कि हम इसको भी पकड़ लें, मतलब जिसके पास जितना चला जाए। इसी के रिस्पॉन्स में क्या होगा, यूनाइटेड नेशन फोर्स, जिसे कौन लीड कर रहा था, यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, वो यहाँ पे रिटेलिएट कर देगा। सो इन 1951 द यूएस फोर्सेस लेड बाय दी डगलस मैक आर्थर, जो आप याद रखेंगे, वो इस लाइन को क्रॉस कर देंगे, ठीक है, जो कि लाइन कौन सी है, 38 पैरेलर, एंड ट्रिगर्ड दी एंट्री ऑफ चाइना एंड सपोर्ट ऑफ नॉर्थ कोरिया। अब ये भी आ गए, ठीक है, यूएसएसआर यहाँ पर थे ही, चाइना की एंट्री भी हो गई, यहाँ पर भी यूएसए की एंट्री हो गई, और इसी तरीके से एक एक पार्टी यहाँ पर ज्वाइन करती जाएगी। अब इसी सब को ख़त्म करने के लिए 1951 में एक टॉक इस्टेब्लिश किया गया, और 1952 का वो टाइम है जो इंडिया ने एक रिजोल्यूशन प्रपोज किया कि किस तरीके से शांति को स्थापित किया जा सकेगा, उसे 1952 में कौन अडॉप्ट कर लेगा, यूनाइटेड नेशंस। अब इसी सब का रिजल्ट था कि 27 जुलाई 1953 का वो टाइम रहा, ठीक है, 1952 आपको पता ही है एक रिजोल्यूशन पास किया गया, और 1953 में क्या हुआ, कोरियन आर्मिस्टिक एग्रीमेंट को साइन किया गया बिटवीन यूनाइटेड नेशन कमांड्स, जिसे हमें पता है कौन यहाँ पर लीड कर रहा था, यूएसए, द कोरियन पीपल्स आर्मी एंड द चाइनीज पीपल्स वॉलंटियर आर्मी। बट ये जो पीस ट्रीटी थी ना, इस ये एक सीज फायर तो यहाँ पर डिक्लेयर कर देगी, बट यहाँ पर कोई भी पीस ट्रीटी नहीं साइन की गई, ठीक है। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि हालांकि यहाँ पर कभी कोई पीस ट्रीटी ही नहीं साइन की गई, इसी का रिजल्ट है कि ये जो वॉर है ये ऑफिशियली कभी ख़त्म ही नहीं हुई, ठीक है, और इसी का रिजल्ट था कि कोरियन डीमिलिट्रलाइज जोन, ठीक है, जैसे जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था, एक बफर जोन यहाँ पर बनाया गया जो कि किसको पूरा क्रॉस कर रहा है, कोरियन पेनिनसुला को, एंड सर्व एज ए बफर जोन बिटवीन होम नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। अब देखिए इसके बाद सिनेरियो क्या हुआ, अब वक्त आ जाता है कोल्ड वॉर के इरा का, ठीक है। अब कोल्ड वॉर का इरा जब यहाँ पर आया ना, तो यूएस ने जो अपना प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला है, जिसे हम न्यूक्लियर अम्ब्रेला भी बोलते हैं, जो कि हालांकि किसके बारे में बात करता है, दैट गारंटी ऑफ सपोर्ट ड्यूरिंग अ न्यूक्लियर अटैक अपने अलाइज को, जैसे साउथ कोरिया और जापान को। अब नॉर्थ कोरिया यहाँ पर क्या करेगा, यही टाइम है जब एनपीटी से बोल देगा कि हम विड्रॉ करते हैं, 2003 में बोल देगा हम इसका पार्ट नहीं होने चाहते, ठीक है। और इसके बाद किम जोंग उन आ जाएंगे, और जो लगातार तब से 2006 से 2003 से लगातार न्यूक्लियर मिसाइल्स को टेस्ट करते आ रहे हैं। इसी का एक और रिस्पॉन्स हुआ, यूएस क्या कर देगा, थर्ड, ठीक है, थर्ड आपको पता होना चाहिए, एक सिस्टम है, यूएस ने क्या कर दिया, थर्ड्स को डिप्लॉय कर दिया कहाँ पर, साउथ कोरिया में। थर्ड का फुल फॉर्म होता है टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। देखिए इसे कुछ इस तरीके से समझिए, यहाँ पर थर्ड्स को इस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है। अब जब भी नॉर्थ कोरिया कोई मिसाइल यहाँ से लॉन्च करेगा, ये थर्ड उन्हें क्या कर देंगे, एयर में ही उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है। अब ये जो टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट है ना, ये जो टसल है जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की थी, वो ट्रांसफॉर्म हो गई टसल बिटवीन हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड द नॉर्थ कोरिया, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर बोलते हैं कि जब हम इसकी शुरुआत करते हैं तो हमें चाइना देखने मिला, हमें जापान देखने मिला, फिर यूएसएसआर की एंट्री हो गई, और यूएसएसआर की एंट्री के बाद यूएसए की भी एंट्री हो गई। इस तरीके से ये कहीं ना कहीं टसल का विषय बना रहा और इसका सॉल्यूशन आज तक नहीं आ पाया है।
चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। सो स्वीडन विल डिस्टेंट इट सेल्फ फ्रॉम कुर्दिश ग्रुप गवर्नमेंट। देखिए क्या हो रहा है स्वीडन में। हालांकि अभी एक नई गवर्नमेंट का फॉर्म हुआ है जिन्होंने क्लियरली स्टेट किया है कि जो कुर्दिश YPG मिलिशिया है, सो जो कि सीरियन कुर्दिश YPG मिलिशिया है, उससे ये दूर रहेंगे। देखिए हुआ क्या था, ये जो है ना सीरियन कुर्दिश YPG मिलिशिया एंड इट्स पॉलिटिकल ब्रांच PYD एंड आर कंसीडर्ड बाय टर्की एक्सटेंशन ऑफ द कुर्दिशियन वर्कर पार्टी। इन्होंने 1980s में एक इंसर्जेंसी लॉन्च कर दी थी अगेंस्ट टर्की और उसी का रिजल्ट है कि टर्की इन्हें क्या कंसीडर करता है एज ए टेररिस्ट ग्रुप। सो स्वीडन ने यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि वो अपने आप को इस पर्टिकुलर ग्रुप से दूर रखेंगे फॉर गुड एंड हेल्दी रिलेशनशिप विद टर्की। चलिए सो मूविंग नेक्स्ट, इट्स दी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ CV रमन। CV रमन, हु इज़ ऑल्सो नोन एज चंद्रशेखर वेंकट रमन, वॉज बॉर्न ऑन 7th of November 1888 इन तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु। CV रमन रिसीव द नोबल प्राइज इन फिजिक्स इन 1930 फॉर डिस्कवरिंग द रमन इफेक्ट दैट ऑल यू शुड रिमेंबर। So it's time for current oriented one-liners and first news is Guyana President Dr. Muhammad Irfan Ali to be chief guest at 17th Pravasi Bhartiya Divas Convention at Indore on January 8 and 10. Saath hi aap yaad rakhenge Pravasi Bhartiya Divas manaya jata hai 9th of January ko. Next, independent India's first ever voter Shyam Saran Negi dies at the age of 106 in Himachal Pradesh. United States News and World Report have released its ranking of the best countries in the world and India ranks first in the world's cheapest priced index. National Cancer Awareness Day 2022 is celebrated every year on 7th of November in India. ISRO India plans to send rover to Moon Shadow region in collaboration with Japan. So this is it. And it's a quiz time and first question is, in which year C.V. Raman received the Nobel Prize in Physics? Next question is, what is the common name given to Apis carinjodian? Options आपकी स्क्रीन पर हैं, आप सभी को पता है करेक्ट आंसर आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है एंड स्टे ट्यून्ड विद अस टू नो द करेक्ट आंसर। सो आज के लिए इतना ही। ज्वाइन आवर बैचेस फॉर UPSC MPPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। वी हैव एंटायरली डेडिकेटेड फैकल्टी फॉर बोथ द एग्जामिनेशन इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन, कमेंट योर वैल्यूएबल फीडबैक एंड ऑल्सो प्रेस द सब्सक्राइब बटन टू नेवर मिस एनी अपडेट्स। प्लीज़ फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, लिंक्स आर गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू एंड सी यू टुमारो।